नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बाढ़ से बिहार के करीब दर्जन भर जिले जो हैं वह ग्रस्त हो चुके हैं। काफ़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग जो हैं वह इससे प्रभावित हुए हैं। तमाम क्षेत्रों का हम लगातार दौरा कर रहे हैं और फिलहाल हम मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र सकरा प्रखंड में हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सड़क के किनारे जो तंबू लगी हुई है यह कोई मेले का तंबू नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, वो लोग जिनके घरों में पानी घुस चुका है और वो अब सड़क पर रहने को मजबूर है। गाड़ियां चलती है, बगल में सड़क है, गाड़ियां चलती है, बावजूद इन्हें तंबू में रहना पड़ रहा है। सड़क के किनारे कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, कितने दिन से ये तंबू बनाए हैं आप लोग? जी, कितना दिन से तंबू बनाए हैं? कम से कम हो गया 8 रोज। 8 रोज हो गया। कोई अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं। अच्छा, ये हर साल होता है आप लोग के साथ? हर एक साल होता है सर। क्या बोलना चाह रहे थे? हर एक साल हम सब दहाई छी। हमरा सबके बीच में अखनी घर है, पानी घर सब डूकल है, 8 दिन से कुछ भी नहीं है, सुनवाई है। अच्छा, तो ये जो तंबू बनाए हैं तो डर नहीं लगता है? गाड़ी उड़ी चलती है, बच्चा उच्चा है, कुछ का डर है, सारा कुछ का डर है। खाए भी नू मरते हैं, कुछ भी कहना सुनवाई है। गा और मवेशी वगैरह को कहाँ रखते हैं? जो मवेशी ऐसे मवेरी अथी है तो बांध के ऊपरे में रखते, ऊपर बाढ़ में रखते हैं। आई लगे कृपाल का कमी है, कृपाल हम लोग का नहीं है, खाने का कमी है। अहले कि कोई चीज का हम लोग का अभी तक कोई सूचना नहीं मिला जी, नहीं कोई चीज का नहीं। स्थानीय कोई नेता जो होते हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे, विधायक कोई भी नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले हम आपको वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा पानी जमा है, बूढ़ी गंडक का यह पानी है और उसके जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई। हालात जो है वह काफ़ी डरावना हो गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तंबू लगाया गया है सड़क के किनारे। सड़क के किनारे लोग रह रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है। एक तो देश भर में, एक तो पूरे विश्व में कोरोना संकट है। कोरोना संकट में लोगों को इस बात का भी डर है कि संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, लेकिन बावजूद तमाम लोग जो हैं ऐसे हालात में रहने को विवश है। एक तरफ बीमारी भी बढ़ा हुआ है, बावजूद लोग जो है ऐसे हालात में, क्या बीमारी का खतरा नहीं है, डर नहीं है? है, तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए कुछ यहाँ पर होता है ना, कोई साधन ही नहीं है, कोई साधन नहीं। जिला प्रशासन की तरफ से कुछ? यहाँ का वार्ड सदस्य है हम सर। सर हम लोग का यही ना, लाइट का कोई अथी नहीं सुविधा हुआ है, तो लाइट का भी सुविधा से कमी है। अब हमको कहना है कि जो आई लाई कि गरीब आदमी किसी का खाने के लिए नहीं है, तो वो आदमी भूख मर रहा है अभी। अच्छा, आप वार्ड प्रतिनिधि हैं? अच्छा, वार्ड प्रतिनिधि, पंचायत में कोई सुविधा आया? पंचायत में कोई आप रिलीफ सुविधा नहीं आया सर? नहीं, सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि हम बहुत राहत पहुंचा रहे हैं। तमाम राहत नहीं, यही है कोरोना का जाति हुआ है तो उसमें 5 महीना का सुविधा मिला। क्या कुछ अनाज वगैरह के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो पहले से जो मिल रहा है वो मिल रहा है, मगर अभी जो कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं। बाढ़ को लेकर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम यहाँ पे चाहेंगे कि थोड़ा अलग हट जाए, क्योंकि गाड़ियाँ जो चल रही है, लोग जो है वह काफी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हम तमाम क्षेत्र का हालात दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो तंबू बनाए गए हैं, ये तंबू वो लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, इसी में रहना पड़ रहा है। घर सबके जो हैं वह बाढ़ में डूब चुके हैं। ऐसे में बार बार ये सवाल उठता है कि सरकार तमाम दावे तो करती है लेकिन उनके लिए कुछ करती क्यों नहीं, क्योंकि कहा तो जाता है कि उन्होंने राहत पहुँचाया है, लेकिन जब स्थानीय, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुँचते हैं तो आपको इस तरह की शिकायतें देखने को मिलती है कि इनका कहना होता है कि इन्हें अभी तक कुछ मिला ही नहीं। तो कई सारे लोग हैं और भी लोगों से हम जाने जी का विधि है जो आए लगी बारिश का पानी से हम लोग का घर डूबा हुआ है, घर अंगना को सब में पानी है, तब हम लोग ऊपर बार धरे हैं। बाकी सर यही हम लोग का अति सुविधा मिलना चाहिए, आए लगी बहुत हम लोग का अति है जो खाने के लिए नहीं है सर। बच्चा के लेकर रोड पर रहते हैं, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, कखनी क्या होगा नहीं होगा से यह हम लोग का बहुत डर लग रहा है। अहला कि बच्चा भी बच गया है गाड़ी से, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं एक बहुत बड़ा रिस्क तो जरूर लोग लेते हैं। हम आपको हालात दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग बहुत ही विकट परिस्थिति में रहने को मजबूर हैं। हालात जो है वह काफ़ी ख़राब है, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, बहुत सारे लोग जो है सड़क के किनारे रह रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तमाम लोग काफ़ी नाराज़ हैं, सरकार से भी
सरकार के प्रतिनिधि से भी और भी लोगों से हम जानेंगे जो यहाँ पे हैं, क्या लगता है कोई व्यवस्था अब तक नहीं किया गया है यहाँ पे? जी नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? जी प्लास्टिक व्लास्टिक अभी चाहिए, राशन पानी चाहिए, और दूसरा क्या पैसा नहीं है लोग मतलब किसी भी तरीके। अब एक तो ऐसे ही पहले से ही रोजगार लॉकडाउन के कमाई धुआई जो है वो कमाई बंद है, व्यवस्था नहीं किया है। बारिश का मौसम है सर, बहुत स्थिति खराब है। तिरपाल के लिए पैसा नहीं सर, बताइए लॉकडाउन लगा हुआ ना, कमा रहा भूख मर रहा है, दार में घर डूबा हुआ है पूरा चारों तरफ से, बताइए क्या करें हम। स्थानीय नेता से शिकायत नहीं करते तो वो तो सर बोलता है तो कोई कुछ नहीं करता, बताइए तो हम लोग ऐसी भूख मरे रोड पे, खाना पीना नहीं बन रहा है, झरना काटी सबका दिक्कत है, अभी मेघू हो रहा है सब भींग रहा है। अच्छा, ये जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो आपके ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचे, कोई पदाधिकारी यहाँ तक आए? नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा। तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वह लगातार बरकरार है, हालात जो है वह काफ़ी दयनीय है, बावजूद सरकार न सुन रही है, ना पदाधिकारी सुन रहे हैं, बस तमाम जो दावे किए जाते हैं वह कागजों पर भी होते हैं और सिर्फ कहने को होते हैं कि सरकार ने तमाम चीज़ों की व्यवस्था की है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पटना, गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण तमाम जिले प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर की स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सकरा प्रखंड है, सकरा मुरौल तमाम प्रखंड है जहां से की स्थिति है, लोग जो है वह बाढ़ से ग्रस्त हैं। जो कुछ भी नए अपडेट्स होंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार पर आपको मिल रहा है, आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।